ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको, उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिर्फ आपने सिर्फ एनजीओ का नाम लिया, प्राइवेट एसोसिएशन का नाम लिया, एक्चुअली इसमें जो हॉस्पिटल जो मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स के लिए है वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ लेवल पर देखी जा रही है, वहां से उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और जो नॉन हॉस्पिटल यूसेज है उसको, उसके लिए एक अलग नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। तो ये सिर्फ एनजीओ की बात नहीं है, कंप्लीट जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको, उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अब ये भी बताता हूँ, स्ट्रीमलाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मौसूल हुई थी जिसमें कई ऐसे एपिसोड्स नजर आए जहां कोशिश की गई इसको ब्लैक मार्केटिंग की, होल्डिंग की कोशिश की गई, इसीलिए ये कदम उठाया गया। और मैं आपको ये आपके वसूख से भी बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीमलाइन, जिस तरीके से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, कल के दिन ही रात 12 बजे तक और जब तक एप्लीकेशन आती रही तब तक इमीडिएटली उस परमिशन जो है वो भी दी गई, और उसके साथ साथ पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। एक इसका एक परफॉर्मा बनाया गया है, उस परफॉर्मा के थ्रू जो भी अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर सम लिटिल बिट ऑफ वेरिफिकेशन, उस चीज को जितनी रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन वो करने के बाद, ताकि देखिए मकसद ये है कि देर शुड बी इक्वल एंड फेयर एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन फॉर द मोस्ट नीडी पेशेंट। जो सबसे ज्यादा देखिए, जब आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर किसी एक जगह अगर बल्क में गाड़ी में भर के ले जाएं और वो गाड़ियों में चलते रहे, उससे ज्यादा बेहतर है कि ऑक्सीजन जिस शख्स को, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद शख्स है उसके पास पहुंचे। तो उसी चीज को एनेबल करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। और मैं ये भी बता दूं कि ये कोविड नॉन कोविड पेशेंट्स दोनों के लिए जो है अथोराइज कर रहे हैं। जी, उसमें सर एक टर्म